हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश झा, आप सभी का मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बिजली के बिल को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने बिल को भी हम डाउनलोड करने का ये प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि बिल को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए मैं दिखाता हूं कि कैसे मैंने बिजली के पुराने बिल को डाउनलोड किया है और आप भी इस तरीके से अपने बिल को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आप इसे मोबाइल फ़ोन से भी सेम इसी प्रोसेस से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर में इसलिए करके दिखाया क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको विजुअल होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, आप इसे देख सकते हैं। तो आप इसे अपने फ़ोन में भी सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो अपने फ़ोन के ऊपर जो आपको 3 डॉट दिखेगा उस पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सेम कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको क्रोम पे जा करके ओपन करना है क्रोम को और यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आपको इसे ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ओपन यहाँ पर बिलिंग वाले ऑप्शन पे न्यू यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर आपको अपने डिटेल्स को अपने डालना है। यहाँ पर आपका नाम हो गया, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। उसके बाद देख सकते हैं जो भी आपके बिल पे नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना है। और आपको अपने जो आपका बिजली का बिल है उसको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं मिलेगा। मीटर नंबर, फ्रेंड्स आपको मीटर नंबर वहाँ मिलेगा जहाँ पर बिल का रीडिंग लिखा होता है, उस जगह पर आपको बिल मीटर नंबर मिल जाएगा। वहाँ से यहाँ पर मीटर नंबर भी आपको डालना होगा। यूज़र आईडी, फ्रेंड्स आपको यूज़र आईडी में नॉर्मल सा कोई यूज़र आईडी बनाना है, उसमें कोई ऐट द रेट या फिर इस तरीके का कोई यूज़ नहीं करना है। जो स्पेशल कैप्चर्स होते हैं इनको यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। तो आपको जैसे अपना नाम लिखकर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड में भी आपको सेम है, अपना नाम 123 ऐसे करके आप पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो जाएगा आपका ये फाइल रजिस्टर्ड होते ही। देखिए लोड ले रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से। जैसे ही लोड हो जाएगा आपके पास बिल डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी मंथ का आप बिल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी मंथ का, पूरे साल का आपको बिल यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी बिल डाउनलोड करके और प्रिंट करके कलर्ड और अपने जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है वहाँ आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है, बिल डाउनलोड होने के बाद ये ओपन नहीं होता तो आपको JPG में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि डिटेल्स हैं इसमें, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा। यहाँ से बिल आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी बिल अपना डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी मंथ का। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो भी चीज़ें इस वीडियो में देखा है वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अगर बाई चांस फिर भी अगर आपसे ये बिल डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको कोई दूसरा मेथड बताऊंगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर ले जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ।